नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करती हूं। राजस्थान की बात करूंगी। अब राजस्थान में मतदान होने जा रहे हैं 25 नवंबर को, तो अब बीजेपी की ओर से घोषणा पत्र जारी किया गया है। वहीं कांग्रेस की ओर से भी 7 गारंटियां लाई गई हैं कि जिसके आधार पर अब कांग्रेस ने मुद्दा उठाया है, जिसके आधार पर कांग्रेस ने जनता से तमाम तरह के वादे किए हैं कि भाई हमारी सरकार बनने के बाद ये वादे 7 गारंटियाँ जो हैं वो पूरी की जाएंगी। और इसी कड़ी में बीजेपी की ओर से भी घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसमें बीजेपी की ओर से तमाम घोषणाएं की गई हैं कि जनता को किस तरह से फ़ायदा मिले और बीजेपी की सरकार बनने के बाद किस तरह से जनता को फ़ायदा मिलेगा बीजेपी सरकार की ओर से। और इसी कड़ी में आपको ये भी बता दूं कि भाजपा प्रत्याशी बलराम मूण ने बातियों के लिए एक अलग ही घोषणा पत्र जारी किया गया है, और उस घोषणा पत्र में क्या कुछ है उसके बारे में जानकारी दे देती हूँ। तो विधानसभा चुनावों को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बलराम मूण ने चुनावों को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए विधानसभा क्षेत्र की 3 पंचायत समितियों समेत वाटरडू कस्बे का विशेष ख्याल रखा है। और भाजपा प्रत्याशी बलराम मूण ने अपने घोषणा पत्र में नहरी पानी को प्राथमिकता के साथ ही विद्युत कनेक्शनों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो मूण ने अपने घोषणा पत्र में नर्मदा नहर को गुड़ामालनी से बातियों और परियू गिडा खोक्सर होते हुए शेरगढ़ तक पहुंचाना और रिफाइनरी और पीएमटी में स्थानीय युवाओं को योजनाओं के तहत रोजगार देना, सभी तहसील मुख्यालयों पर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करवाना, वंचित परिवारों को घरेलू विद्युत कनेक्शन दिलवाना और 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाना। तो ये तमाम तरह की इस तरह की घोषणाएँ की गई हैं जिससे जनता को फ़ायदा मिले। और साथ ही गिडा मुख्यालय पर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का निर्माण, हर तहसील मुख्यालय पर आवासीय विद्यालय और बातियों मुख्यालय पर एडीएम और एसीपी कार्यालय खुलवाना, ये तमाम तरह के घोषणा पत्र में उन्होंने वादे किए हैं जिससे अब जनता का रुझान कहीं ना कहीं प्रत्याशी की ओर देखने को मिल रहा है।